ओम शांति आज 19 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी आज के रिवाइज कोर्स की डेट है 23 मार्च 1988। और मुरली की हेडलाइन है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियाँ तो बाबा ने कहा आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बचते रहते ऐसे दिल दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना ऐसे दिल जीत बच्चे श्वास श्वास श्वास, श्वांस, अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते सदा एक ही गीत बचता कि मेरा बाबा और मैं बाप का इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुपा। ये बाबा ने बाबा है दिलाराम। और दिलाराम बाप अपने दिल रुबा की महफिल में आए दिल रुबा बाबा उसको कहते हैं जिसके दिल में सिवाय बाबा के और कोई नहीं बसता है बाबा 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 मेरा बाबा मेरा बाप हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर सास सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है कभी कोई अपनी कमजोरी के गीत भी गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही <laughs> यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में दृष्टि में बोल में संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं फिर बाबा ने दृष्टि बताई उनकी दृष्टि क्या होगी उनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने बाबा वाली चित्र खींच रहे हैं उन बच्चों का जो सच्चे सच्चे दिल रूबा बच्चे उनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है ये साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत दिल जीत जगत जीत जो बाबा के दिल को जीतता है वो सारे जगत के दिल को जीतता है फिर बाबा ने कहा कि वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपने आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए ये फर्क है अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है बाबा हमेशा अपने बच्चों को कोई ना कोई विलक्षण विधि बताता है अब भाषण तो दुनिया करती है तो बाबा कहते हैं अगर उन्होंने भी आपके भाषण की महिमा की कि बोलते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आर्ट है बात को बहुत अच्छा स्पष्ट करते हैं क्या बड़ी बात हुई उनमें और आप में दोनों में अंतर क्या हो आपके बोल के द्वारा उनको बाबा का परिचय और अनुभव हो तब है बात लेकिन आपके बोल की बोल बाप की महिमा अनुभव कराए यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है उनके मुख द्वारा भी दिल की आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा तो ये चेक करो कि हर कदम में बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है जिसकी दिल में सदा बाप है वो सत स्वतः ही सन शोज़ फादर करने वाली समीप अर्थात समान बच्चा है बाबा का टोटल रहस्य है कि चाहे आपका मन है चाहे आपकी वाणी है चाहे आपके कर्म है चाहे आपके फीचर्स हैं कुछ भी है वो बाप का परिचय है बाप की प्रतीक्षा करें तो बाबा ने कहा कि जो बाबा की महिमा उसमें आपकी महिमा स्वतः हो जाएगी है, बीज है ना बाबा तो बीज में हम बच्चे सब हुए हैं। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं nah. हमारा बाबा जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खोलेगा क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बराती बन के चले लेकिन सबको वापस जाना ही है ले ही जाना है हमारा बाबा आ गया कम से कम ये आवाज़ कानों से सुनने बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने कोई भी वंचित ना रह जाए विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंचली तो देनी है ना आपने सागर को हब किया लेकिन वो एक बूंद के प्यासे हैं उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना इसके लिए क्या करना पड़े hmm. हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों तब ये आवाज गूंजेगा तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिला राम के दिल रुबा कहते हैं जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बचते हैं एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे सिर्फ बहुत अच्छा बाबा है एक गीत गाओ तो दूसरे गीत अपने आप समाप्त हो जाएंगे एक की महिमा करो एक के उस गुण गाओ तो बाकी सब खत्म सिर्फ दो शब्द में खुशखबरी सुनाओ ओके रू रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो न लो खुशखबरी खबरी सुनाने में समय नहीं लगता लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता, लगता। <laughs> बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं <laughs> कृष्ण कथा नहीं कहते ये चौदह कला वालों की कथा है सोलह कला वालों की नहीं कोई कथा नहीं होती है ये भी निशानी सूर्य वंशी चंद्रवंशियों की जो चंद्रवंशियों कथाएं करते रहेंगे मतलब अपनी कोई ना कोई इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन हाँ, कोई ना कोई करना। बात का इशू बना रहता है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो राजा भी मात पिता ही है दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है फिर बाबा ने कहा फिर आ, विदेशी आयु में बाबा के सामने विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। हैं जब बहुत आते हैं, तो तो पड़ता है, समय भी बांटना पड़े रात को दिन तो बनाते ही हैं और क्या करेंगे बाबा ने कहा मुख के ये, बोल। ये जो बाबा ने कहा है ना कि रात को दिन बनाते हैं ये हैं उस समय बिल्कुल पीक पर विदेशियों का सीजन था नए नए आते थे एक एक को बाबा मिलते थे तो बाबा मिलते थे तो कभी किसी से ज़्यादा बोलते थे कभी किसको कम तो बाबा ने कहा इस बारी बहुत सारे आश्रय आ गए तो समय बांटना पड़ता है सारी सारी रात बाबा बैठते थे मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते कभी कम भी होता लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता बटता है बाबा की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है बाबा ने कहा लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न बाबा ने कहा कि कभी कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता मार्जिन है कभी कभी क्या होता है जो बहुत तेज़ चलते हैं वो नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर वन है जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है ये फर्स्ट है अभी नहीं कह सकते इसलिए सर सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो बाबा कहते हैं अभी रिजल्ट आउट हुआ नहीं है रिजल्ट आउट हुआ नहीं तो अपन को कुछ सोचना है कि मैं पीछे हूँ या आगे हैं मतलब तो इन बातों से भी अपने आप को मुक्त करो आप अपने में निश्चय रखो मैं फर्स्ट डिविजनर हूँ बस चलते चलो और बाबा ने पुरानों की बात बताई कि जो तेजी से चलते हैं पहुंचने से पहले फिर थक जाते हैं तो सबके पास मार्जिन ये मतलब अभी रेस चल रही है कोई आगे कोई पीछे ये हो रहा है फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात के कुछ पॉइंट्स हैं याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता है फिर दूसरा बाबा का सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हो ऐसा अनुभव करते हो साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है सदा श्रेष्ठ खजाने से भरपूर आत्मा हो ऐसे अनुभव करते हो ये जैसे बाबा अलग अलग स्वमानों की एक लिस्ट एक से मिल रहा है बाबा। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि बाप करावन हार करा रहा है हम निमित हैं फिर बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो यही अनुभूति होती है सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है ब्राह्मण सो फरिश्ता फरिश्ता सो देवता ये पहेली हल कर ली है ना? जो पहेली हल करते उन्हों की उन्हों को प्राइज़ मिलती है तो प्राइज़ मिली है ना? जो अभी मिली वो भविष्य में नहीं मिलेगी प्राइज़ में क्या मिला स्वयं बाप मिल गया बाप के बन गए फिर बाबा ने कहा सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ऐसा अनुभव होता है ना दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं आज का वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हो वैसे अन्य वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंचली मिलेगी और आप विश्व विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे right. स्लोगन है अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे पॉजिटिव रखते हैं शक्तिशाली रखते हैं तो जो नेगेटिव है और कमजोर है वो खत्म होता है तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री ज़ीरो नाइन पर ओम शांति